प्रवक्ता हिंदी राजकीय इंटर कॉलेज पेठसाल अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थी पद्य में आठवां पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया यह कवित्त देखेंगे। तो पहले कवित्त की व्याख्या आप देखें। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटगी। पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बड़ो आगनी ते बड़ी है आग पेट की। तो प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समय बड़ा कठिन आ गया है और ऐसे समय में पेट भरने के लिए लोग कोई परिश्रम करता है, कोई कृषक कार्य करता है, कोई व्यापार का कार्य जो है पेट भरने के लिए करता है, कोई भीख मांगता है, कोई राजाओं के प्रशंसा में गीत गाता है, कोई नौकरी करता है, कोई चतुर नट का कार्य करता है, कोई चोरी करता है, कोई दूत कर्म करता है और कोई बाजीगर का कार्य करता है। अर्थात पेट को भरने के लिए ही लोग विभिन्न प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं। पेट ही को पढ़त, पढ़ाई भी पेट के लिए ही हो रही है, ज्ञान के लिए नहीं हो रही है, पेट के लिए ही पढ़ाई हो रही है। गुण गढ़त, गुणों को ग्रहण भी पेट के लिए ही किया जा रहा है। चढ़त गिरी, बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना भी पेट भरने के लिए ही हो रहा है। अटत गहन गन अहन अखेट की, और शिकार आदि का कार्य भी दिन भर भटकते हुए शिकार आदि का कार्य पेट भरने के लिए हो रहा है। और इस पेट को भरने के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म के कार्य जो है पेट भरने के लिए कर रहे हैं। और लोग जो है यहां तक कि इतना नीच कार्य पेट भरने के लिए कर रहे हैं, बेचत बेटा बेटकी, वे अपने पुत्र और पुत्रियों को भी बेच दे रहे हैं, अर्थात संतान को भी बेच दे रहे हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते, आग बड़वागनी ते बड़ी है आग पेट की। इस पेट की आग को बुझाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को बुझाने के लिए राम रूपी घनश्याम ही समर्थ हैं, क्योंकि जिस प्रकार घनश्याम वर्षा से जल अपने जल से इस प्रकृति को आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भगवान राम भी अपनी कृपा दृष्टि से लोगों के दुखों को दूर करते हैं। अब दूसरे कवित्त की व्याख्या देखिए। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्यमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए काकरी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, सा करे सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो यहां पर तुलसीदास जी अपने समय की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, किसान के पास करने के लिए खेत उपलब्ध नहीं है, क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। भिखारी को न भीख, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो भिखारी को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, एक पैसा भी, यानी कि कोई भी चीज अर्थात जिससे कि भिखारी भी अपना पेट भर सके वह भी जो है उनके पास नहीं है। बलि, यहां तक कि जो है बलि भी देने के लिए उनके पास अन्न नहीं है। बनिक को बनिजन, समाज की स्थिति इतनी कमजोर है, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है समाज की कि जो है व्यापार आदि कार्य करने के लिए भी लोगों के पास संसाधन नहीं है। न चाकर को चाकरी, और अगर लोग नौकरी करना चाहते हैं तो उनके पास जो है नौकरी करने के लिए भी कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्यमान सोच बस, जीविका से विहीन आर्थिक परेशानी के कारण
लोग जो है दुखी हैं और कहें एक एक रसों कहाँ जाए का करी, एक दूसरे से आपस में कहते हैं क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी हो गई है, इसलिए एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, तो वेद और पुराणों में भी कहा गया है कि देखें सा करे सबे पे राम रावरी कृपा करी, भगवान राम हम सब पर कृपा करने वाले हैं, संकट के इस समय भगवान राम ही हम सब पर कृपा करने वाले हैं, क्यों कि दारिद्र दशा न दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम को संबोधित करते हुए कि हे दीन बंधु, दरिद्र रूपी रावण ने इस दुनिया को परेशान कर रखा है, इस दुरित दहन देखी, इस संसार के भयंकर दुख को देख करके तुलसी हाहा करी। अब तुलसीदास भी हाहाकार करने लग गए और भगवान राम की शरण में गए और भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब इन दुखों से आप ही जो है संसार को बचाइए। तीसरा देखिए सवैया है, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जात बिगार न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचै सो कहे कछु ओऊ, मागी बे खैबो मसीत को सोईबो लैब को एक न दैबे को देऊ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चाहे लोग मुझे धूर्त कहें अवधूत कहें, चाहे मुझे सन्यासी कहें, रजपूत कहो कोई, चाहे मुझे कोई राजपुत्र कहो, जुलाहा कहो कोई, चाहे मुझे कोई जुलाहा कह दो, तो इससे मुझको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहब, मैंने किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह नहीं करना है, क्योंकि तुलसीदास का पुत्र नहीं है तो इसमें भी वो खुश हैं, सांसारिकता से दूर हैं, सन्यासी हैं, इसलिए कह रहे कि काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, मुझे किसी की जो है बेटी से अपने पुत्र का विवाह नहीं करना है, और काहू की जात बिगाड़ न सो, जिससे कि मैं किसी की जात को बिगाड़ दूंगा। तात्पर्य यह है कि जो जो जात लड़के की होती है लड़की की भी वही जाति हो जाती है। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, तुलसी जो है राम का गुलाम है, राम का सेवक है, और इसी नाम से वह प्रसिद्ध भी है, जाको रुचै सो कहो कछु। अब जिसको जैसा अच्छा लगता है भाई वो वैसा कहे, मागी बो खैबो माग के खाता है, मसीत को सोई बो मसीत में सोता है, मस्जिद में सोता है, देवालय में सोता है, लैबे को एक न दैबे को दो, न किसी से एक लेना न किसी को दो देना।